नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा मेहता ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। पांचों विधानसभा क्षेत्र से 73 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अमित शाह करेंगे युवक से सीधा संवाद। बड़ा हादसा होते होते बचा, नौनियाल हो सकते थे हादसे के शिकार। ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। अधिवक्ता व इलेक्ट्रिशियन से मिलकर की मतदान करने की अपील। आहोर से निर्दलीय प्रत्याशी जैन व नानीवाड़ा से पुरोहित ने भरा नामांकन। मतदान जागरूकता को लेकर निकाली रैली। गंदगी व कीचड़ के बीच प्यास बुझाने की मजबूरी। व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से जुटाए 51,000। विद्यालय में लगाए सीसीटीवी कैमरे। हजरत गरीब शाह दाता के उर्स की तैयारी जोरों पर। जालौर में पिकअप और मिनी ट्रक के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। SUPW शिविर का हुआ समापन समारोह। अब समाचार विस्तार से। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 73 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। विधानसभा आम चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को जिले की पांचों सीटों के लिए 43 प्रत्याशियों ने 55 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। इनके सहित अब इन क्षेत्र में 73 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें जालौर विधानसभा क्षेत्र से 8, आहोर से 17, भीनमाल से 21, रानीवाड़ा से 10 व सांचौर विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच कर छटनी की जाएगी। 22 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का आखिरी दिन। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अमित शाह करेंगे युवाओं से सीधा संवाद। उज्जी सिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार दिनेश भाटी सियाना पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि बुधवार को 2 लाख युवाओं से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह युवाओं से सुनहरे भविष्य को लेकर सीधा संवाद करेंगे, जिसका सीधा लाइव प्रसारण संपूर्ण राजस्थान में होगा, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। इस दौरान विधानसभा विस्तारक विशन सिंह जागसा, कार्यक्रम संयोजक दिलीप कुमार भट्ट एवं सह संयोजक चंद्रकांत सहित कई चारों विधानसभा भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसी तरह जसराज पुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार भाजीमो नगर अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगामी 21 नवंबर को राजस्थान की 200 सीटों के लिए युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि शाह जयपुर स्थित टाउन हॉल से डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधे प्रदेश भर के युवाओं से जुड़कर उनके सवालों के जवाब देते हुए प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए गुर सिखाएंगे, जिसके तहत आहोर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम माधोपुरा स्थित कांची समाज के मंदिर सांवला जी की सभा कक्ष में आयोजित होगा, जिसमें अधिक से अधिक युवा को कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान। श्रीमान अमित भाई साहब कल युवाओं से जुड़कर रूबरू होकर उनसे सीधी बात करेंगे। इसके लिए इस कार्यक्रम को 3 फेज के अंदर रखा है। पहला फेज है टाउन हॉल के साथ, तो बहुत बड़ा हॉल होगा जिसमें सारे युवा उपस्थित होंगे और युवा आमने सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। उसी का दूसरा फेज है टू वे जितने भी संभाग केंद्र है उन संभाग केंद्रों के ऊपर टू वे कम्युनिकेशन होगा, वहां पे आमने सामने बात करने की सुविधा होगी। आज का हमारा विषय है टाउन हॉल कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के अंदर जयपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। उस संवाद में हर विधानसभा वाइज कार्यक्रम तय किए गए। नमस्कार साथियों, भाई और बहनों, युवारी बात अमित शाह के साथ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, आधुनिक राजनीति के चाणक्य श्रीमान अमित शाह जी कल 21 तारीख को जयपुर पधार रहे हैं, जहां से वो 200 विधानसभाओं के लिए सीधी बात करेंगे। बड़ा हादसा होते होते बचा, नौनियाल हो सकते थे हादसे के शिकार। उज्जी सिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय पर स्थित शांतिपुरा रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में शहर की सेंट एंस पब्लिक स्कूल की बस बड़े नाले में गिर गई, जिससे बस पलटी खाते खाते बच गई। इससे बस में बैठे छात्र घबरा गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला एवं थ्री व्हीलर टेम्पो से बच्चों को घर पर छोड़ा। लोग इस हादसे का जिम्मेदार नगर परिषद व वार्ड पार्षद को मानते हैं। उनका कहना है कि खड्डों को लेकर कई बार नगर परिषद को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। मोद्रा से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम के मोद्रा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह शिववाड़ी के पास श्री आशापुरी जाने वाले मेन रोड पर
लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग व लाइनमैन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फोन बंद आ रहे थे। इसके अलावा स्कूल के सामने व मेन रोड पर आशापुरी जाने वाली सड़क पर खुले तारों के साथ ट्रांसफार्मर बहुत नीचे लगे होने से कोई भी पशु या स्कूली बच्चे पास से गुजरने से बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग व जिला प्रशासन को मोद्रा क्षेत्र में लगे सभी ट्रांसफार्मर उचित जगह पर ऊंचाई व सुरक्षा मापदंड पर लगाए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं को इलेक्ट्रिशियन से मिलकर की मतदान करने की अपील। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने अधिवक्ताओं व इलेक्ट्रिशियन से समर्थन मांगा। विधानसभा क्षेत्र मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सुरेश सोलंकी ने बताया कि जालौर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग के समर्थन में प्रसार प्रचार को लेकर रविवार को पानीनाड़ा क्षेत्र में टीकम सोलंकी नेतृत्व में जोगेश्वर गर्ग व भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष भूपतराम सोलंकी का स्वागत कर समर्थन दिया। भगुतराम सोलंकी ने भी सभी पानीनाड़ा निवासियों को गर्ग के पक्ष में समर्थन देने को कहा व सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर गणेश मालिक, देसाराम, दलाराम सहित कई मौलेवासी उपस्थित थे। इसी प्रकार नूंग गांव में बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता हरमनदान जी नरपुरा एवं उप प्रधान उमेश सिंह जी, मूलजी राजपुरोहित सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क कर गर्ग को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। गर्ग ने सभी इलेक्ट्रिशियन को अधिक मतदान करने की अपील की। भीनमार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार आपके अपने सूरजाराम मेघवाल को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं और भीनमार तहसील का विकास करवाने में हमें सहयोग करें। समस्त मोरदान, खेलना, खासला, पूरा, खेड़ा, कोटा, पादरा, रामसिंह ब्लॉक क्षेत्र व ग्रामवासी एवं राजस्थान पिछड़ा क्षेत्र विकास संघर्ष समिति मोरदान। नॉनस्टिक कुकवेयर, डोसा तवा, नॉनस्टिक कढ़ाई, नॉनस्टिक अफकारा, ऑल आइटम्स नॉनस्टिक कुकवेयर फैक्ट्री बैंगलोर फ्रॉम वसंत कॉलर पिक्सॉन, ऑल आइटम्स अवेलेबल हियर फॉर डीलर। और एड्रेस विजय नॉनस्टिक, कोडी कहली, कैनहाली, मेन पोस्ट, बैंगलोर 560091। प्लीज कम एंड वंस यू हैव अ चांस टू सर्व। आप सभी क्षेत्रवासियों एवं जिलेवासियों को दीपावली के पावन पर्व व लाभ पंचमी की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। विश्वकर्मा टिम्बर मार्ट सिंधरी, सागवान, साल, कपूर, रजाक, मरंडी व इमरती, लकड़ी, प्लाईवुड, डोर स्क्रीन सीट व हार्डवेयर के होलसेल विक्रेता विश्वकर्मा कॉलोनी, विश्वकर्मा मंदिर के पास, सिंधरी रोड, जिला बाड़मेर, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बगदाराम, मोबाइल नंबर 9413028946, मोहनलाल 9413028940, गौतम 9680722590, चौनाराम 7597701807। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर।
चालो। संपर्क करें भवन निर्माण हो या रिकंस्ट्रक्शन, ऑफिस निर्माण हो या व्यवसायिक भवन, या करवाना हो इंटीरियर डेकोरेशन, हमारी स्पेशलिटी चाइना टुकड़ी। विश्वसनीय कार्य के लिए हमसे संपर्क करें। प्रोप्राइटर महेश जैन, रमेश चौहान, जैन कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 9421219192 या 9929445707। आहोर से निर्दलीय प्रत्याशी जैन व रानीवाड़ा से पुरोहित ने भरा नामांकन। देवाराम चुंडा व सुरेश गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आहोर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जिनेश जैन ने सोमवार को अपना नामांकन समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी हाओ के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे पूर्व माँ चामुंडा माता जी के चौक से पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता व समर्थक ने रैली निकाली, जो मुख्य बाजार अस्पताल चौराहे से होते हुए उपकर कार्यालय पहुँच कर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी समर्थकों में भारी उत्साह नजर आया। इसी प्रकार तवा से विक्रम सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा से अर्जुन पुरोहित ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। मतदान जागरूकता को लेकर निकाली रैली। रुस्ता चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सैला के निकटवर्ती उन्नड़ी गाँव में मतदान जागरूकता के तहत रैली निकाली गयी। रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवाना होकर पूरे गांव का भ्रमण कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक, विद्यालय स्टाफ, पिंटू सिंह, निभाराम बॉस, वनेश सिंह सहित ग्रामीण मौजूद थे। इसी तरह कांतिलाल मेघवाल के साथ उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार उमेदाबाद कस्बे में स्थानीय विद्यालय में मंगलवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन प्रधानाचार्य तारणचंद गुप्ता व प्रभारी निसार अहमद के निर्देशन में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजन किया गया। रैली गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए गांव के बस स्टेशन बाजार से होते हुए पुनः विद्यालय के आकर समाप्त हुई। रैली में मतदान जागरूक संबंधी नारों के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान के लिए जागृत किया गया। इस दौरान रामकिशोर मीना, अमजद खान, मनसाराम राणा, राजेंद्र प्रसाद, वराराम चौधरी, शिवदत्त सहित स्टाफगण। गंदगी व कीचड़ के बीच प्यास बुझाने की मजबूरी। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल के निकट सेवड़ी ग्राम पंचायत के बस स्टैंड पर सफाई के अभाव में लोगों को दूषित पानी पीने को विवश होना पड़ रहा है। यूं तो टंकी पर स्वच्छता से संबंधित नारे लिखे हुए हैं, पर टंकी के आसपास पसरी गंदगी व कीचड़ को देखकर ये नारे बेमानी लगते हैं। लोग जिस स्टैंड से पीने का पानी भरकर ले जाते हैं, पेयजल स्रोत के चारों ओर गंदगी पसरे कीचड़ को देखकर घिन आ जाती है। फिर भी लोगों को हलक तर करने के लिए वहां से पानी भरकर ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लोगों की इस समस्या पर ना तो जलदाय विभाग और ना ही पंचायत प्रशासन ध्यान दे रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुटाए 51,000 रुपए, विद्यालय में लगाए सीसीटीवी कैमरे। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार निम्बज गांव के ग्रुप संचालक शैताना राम विश्नोई शारीरिक शिक्षक के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से 51,000 रुपए की राशि एकत्रित कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कृष्ण ने बताया कि ग्रुप में गांव के अंदर एंड्रॉइड फोन चलाने वाले उन्हीं व्यक्तियों से राशि ली गई, जिसमें निम्बज और नारायणपुरा दोनों गांव के सदस्य हैं। एकत्रित की गई राशि से निम्बज गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन नारायणपुरा गांव में कैमरे लगाने के लिए अभी भी अभियान चल रहा है, जो कुछ ही दिनों में कैमरे लगा दिए जाएंगे, उसके लिए भी राशि एकत्रित हो जाएगी। हजरत गरीब शाह दादा की उसकी तैयारी जोरों पर। सुरेश गर्ग व देवराम चुंडा की रिपोर्ट के अनुसार हजरत गरीब शाह दादा की उर्स को लेकर गांव किशनगढ़ में तैयारी जोरों पर चल रही है। कमेटी के अध्यक्ष इद्दू खान ने बताया कि उर्स हिंदू और मुस्लिम के लिए भाईचारे का संदेश देता है। वह हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस उर्स का कार्य करते हैं। उसका पर्व हिंदू मुस्लिम के लिए आपसी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। ये मुबारक उर्स कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया। मिनी ट्रक यूनियन की बैठक आयोजित। जिस सिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार शांतिपुरा रोड स्थित हल्देश्वर महादेव मंदिर में पिकअप एवं मिनी ट्रक यूनियन के जिला अध्यक्ष अंबालाल मालिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिकअप व मिनी ट्रक यूनियन के स्थायी स्टैंड के लिए चर्चा की गई तथा जिला कलेक्टर बीएल कोटारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष माली ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं साथ ही शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की भी बात कही। बैठक में माह के अंतिम रविवार को आम बैठक रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में यूनियन के सभी कार्यकर्ता व सदस्यगण मौजूद। SUPW शिविर का हुआ समापन समारोह। विक्रम सिंह राजपूत तवाब की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय आदर्श शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तवाब में चल रहे 5 दिवसीय शिविर का समापन समारोह सोमवार को किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार प्रजापत ने बताया कि शिविर में 423 बच्चों ने भाग लिया तथा बालकों ने 12 दल बनाए। शिविर में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया तथा विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। इस मौके पर भामाशाह द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को शील्ड एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। समापन समारोह में प्रभारी प्रताप दास वैष्णव, उपचंद सिंगल, हेमंत बिश्नोई, नवाब सिंह, सुमन शेखावत एवं भामाशाह बलवंत सिंह, कैलाश सोनी, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत एवं ग्रामीण मोहन। अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जागरण।